एक महीने में देश को 5 मेगा प्रोजेक्ट की सौगात देगी मोदी सरकार। बीते 10 सालों में भारत ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसके कारण आज पूरी दुनिया भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा मान रही है। वैसे तो साल 2024 में देशवासियों को कई मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है, लेकिन आज हम आपको उन 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो अगले एक महीने में देश को सौंपे जाएंगे। चिनाब ब्रिज, नीचे बादल ऊपर ब्रिज, कुछ ऐसा ही नजारा कश्मीर में देखने को मिलेगा जब यात्री दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन से यात्रा करेंगे। कश्मीर में बना चिनाब ब्रिज ऊंचाई में एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसका ट्रायल रन सफल हो चुका है और जल्द ही इस पर ट्रेन फराटा भरेंगी। 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 1.31 किलोमीटर लंबा ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। 20 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये कश्मीर के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। आगरा मेट्रो, ताजमहल के दीवानों का आगरा में मेट्रो से घूमने का सपना इसी महीने साकार हो सकता है। आगरा मेट्रो की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी माह के अंत में आगरा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में प्राथमिकता वाले 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू होगा। प्रोजेक्ट के तहत शहर में 30 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक बिछाया जाना है, जिसमें से 14 किलोमीटर सिकंदरा तिराहा से TDI माल तक और बाकी का 16 किलोमीटर आगरा कैंट स्टेशन से कालिंदी विहार तक होगा। आपको बता दें कि आगरा मेट्रो का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन हाईवे अगले महीने शुरू हो जाएगा, जिससे गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव के बीच सफर करने वाले लोगों को जाम की परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को नितिन गडकरी ने मील का पत्थर बताया था। एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड के कुछ हिस्से में वाहनों की आवाजाही जारी है। 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम की सीमा में करीब 19 किलोमीटर लंबा है। सिग्नेचर ब्रिज, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब सरकार द्वारकाधीश की नगरी को संवारने में जुट गई है। पीएम मोदी 25 फरवरी को गुजरात के द्वारका में एक ऐसे ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं जो बेट द्वारका जाने के लिए सड़क मार्ग प्रदान करेगा। द्वारका से बेट द्वारका की दूरी 34 किलोमीटर है। इसमें 2.25 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में है। अभी ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए फेरी बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रिज बनने से रोड मार्ग से सीधे बेट द्वारका पहुंचा जा सकेगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। 2018 में निर्माण शुरू होने के बाद अब 6 साल बाद वो सपना साकार होने वाला है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, अगले महीने यानी कि मार्च के आखिर तक आप वंदे भारत एक्सप्रेस में लेट कर बड़े आराम से सफर कर पाएंगे। चेयर कार वाली वंदे भारत की अपार सफलता और यात्रियों के भारी डिमांड के बाद रेलवे लंबी दूरी के लिए स्लीपर वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के लिए जो सुविधाएं दी जाएंगी वो फ्लाइट की फर्स्ट क्लास फैसिलिटी को सीधी टक्कर देगी। ट्रेन के कॉन्सेप्ट फीचर की बात करें तो इसमें AC 2 और AC 3 टीयर कोच में रूफ लाइटिंग और बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ी होगी। इसमें 16 कोच होंगे, जिनमें 11 AC, 4 AC 2 और 1 AC कोच होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जब पटरी पर दौड़ेगी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये 5 मेगा प्रोजेक्ट जो कि भारतीय इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है, वो जब देश को सौंपे जाएंगे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जिसकी आधारशिला मैं रखता हूं, उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। यही है मोदी की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।